हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल कोडिंग विद वेद। चलिए आज हमारा ABCD का लास्ट टॉपिक है, यानी हमें शेड रिपीट करना है। इसके पहले हमने ए से लेकर वाई तक सारे प्रिंट करा चुके हैं, आप हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। चलिए फर्स्ट काउंट करते हैं, इसको देखते हैं कि इसको लॉजिक को समझते हैं, देन प्रोग्राम करके रन करते हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या काउंट करते हैं? फर्स्ट इसमें एंड पैटर्न के प्रोग्राम कोई भी आ रहे हैं, चाहे स्टार के हो, नंबर, पैटर्न में कुछ भी, पहले रो एंड कॉलम को हम काउंट करते हैं। चलिए रो को काउंट कर लेते हैं। फर्स्ट फर्स्ट रो, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, हमारे कितने रो गए? फिफ्थ। चलिए कॉलम काउंट कर लेते हैं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, यानी क्या है, हमारे 5 रो एंड 5 कॉलम है। क्या करते हैं, पहले हम 5 रो एंड 5 कॉलम को बना लेते हैं। चलिए हम यहीं पे 5 रो एंड 5 कॉलम को बना लेते हैं। पहले क्या बना रहे हैं, पहले हम रो बना रहे हैं। ये हमारे 5 रो हो गए, जरा नंबरिंग कर देते हैं ताकि समझने में भी आसानी होगी। फर्स्ट रो, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये हमारा क्या है, रो है। ठीक है, अब क्या करते हैं, कॉलम को भी बना लेते हैं। ये हमारा कॉलम भी बन चुका, देखिए कितने हो गए हमारे कॉलम, 5। इसको क्या करते हैं, नंबरिंग इसको भी कर लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है, ये हमारे क्या हो गए, रो एंड कॉलम हो गए। ठीक है, चलिए अब ये क्या हमारा है, कॉलम, इसको भी सी लिख देते हैं, यानी रो एंड कॉलम हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। पहले हम कहाँ पे हमें प्रिंट कराना है, कहाँ पे चीजें, फिर बाद में बातें करते हैं। फर्स्ट हमेशा काउंट करेंगे कि हम इस पर अपना हम जो लूप लगाना है पहले वो लगाएंगे, कंडीशन तो बाद में लगाएंगे, कहाँ प्रिंट कराना है कहाँ नहीं। चलिए तो क्या करते हैं, इसमें हम फॉर लूप का यूज करेंगे, यानी नेस्टेड फॉर लूप का। इसमें दो फॉर लूप यूज होंगे, फर्स्ट वाले को कहते हैं आउटर, और उसके बाद जो यूज होगा फॉर लूप उसे कहते हैं इनर। जो फर्स्ट होता है फॉर लूप ओरो के लिए चलेगा, जो सेकेंड होता है वो जिसको इनर कहते हैं वो कॉलम के लिए काम करेगा, यानी इन, ये हमारा रो के लिए काम करेगा। हम चाहते हैं रो हमारे स्लाइस करते वैल्यू में 1 से स्टार्ट हो और ये वैल्यू हमारी 5 तक चलनी चाहिए। फिर मैंने कहा आर प्लस प्लस, यानी आर की वैल्यू क्या हो, इंक्रीमेंट होनी चाहिए। ये हमारा भी फर्स्ट हो गया, ठीक है, ये क्या है, रो के लिए काम कर रहा है हमारा। मैं दूसरा दे दिया फॉर इंट इक्वल टू 1, हम भी चाहते हैं कॉलम कहाँ से स्टार्ट हो, 1 से हो, ये भी कॉलम हमारे 5 है तो 5 तक जाने चाहिए हमारे। सी प्लस प्लस, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, आउटर और इनर लूप हो गया। यानी हम चाहते हैं इसमें हमें क्या प्रिंट कराना है, अभी आप दे सकते हैं, मैंने तो स्टार ही दे दिया है। ठीक है, अगर इसमें प्रिंट कराएंगे तो क्या हमें ये पूरा 5x5 का रो एंड कॉलम में प्रिंट होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ये क्या करेगा, जैसे ही 5 तक प्रिंट करेगा, यहाँ पे लगा हुआ है प्रिंट, ln नहीं लगा हुआ है, सिर्फ प्रिंट है, तो क्या करेगा, जो सेकेंड रो है इसी के आगे ऐड हो जाएगा, यानी इसी के आगे सेकेंड ऐड हो जाएगा। ये जो फिर थर्ड रो जो होगा फिर सेकेंड के आगे ऐड, इसी मतलब इसी में एक लाइन में ऐड होते हुए चला जाएगा, यानी हमें स्टार्ट 25 प्रिंट कर देगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, हम चाहते हैं जब हमारा इनर लूप क्या हो, क्लोज हो, तो हम न्यू लाइन पे जाएँ। तो उसके लिए क्या करते हैं, जब हमारा फॉर लूप ये बंद हो, यानी इनर लूप क्या हो, क्लोज हो, उसके बाद हमें न्यू लाइन पे जाना है, यानी लिखना पड़ेगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln। ठीक है, बस इतना देना पड़ेगा। इससे क्या होगा, अब हमें 5x5 का पूरा हमें मैट्रिक जैसा मिल जाएगा, हम सारे में प्रिंट करा लेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हमें कहाँ कहाँ प्रिंट कराना है, कहाँ नहीं प्रिंट कराना है। अभी तक तो 5x5 का हमने यहाँ से प्रिंट करा लिया, अब चलते हैं अपने हम कंडीशन लगाएंगे कहाँ हमें प्रिंट कराना है कहाँ पे नहीं कराना है। फर्स्ट क्या करते हैं, इसमें हम देखेंगे कहाँ कहाँ हमें प्रिंट कराना है। चलिए देखते हैं, यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम, फर्स्ट रो
फिफ्थ कॉलम। चलिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम, फर्स्ट रो फाइव कॉलम, यहाँ तक कंप्लीट हो गया हमारा। अब फिर देखिए कहाँ प्रिंट कराना है, ये स्पेस है, ये भी स्पेस है, ये भी स्पेस है, फोर्थ सेकेंड रो फोर्थ कॉलम पे और उसके बाद स्पेस है, यानी सेकेंड रो पे फोर्थ कॉलम, यहाँ पे हमें प्रिंट कराना है। फिर कहाँ प्रिंट कराना है, यहाँ पे स्पेस है, यहाँ पे स्पेस है, यहाँ प्रिंट कराना है, फिर लास्ट में दोनों स्पेस है, यानी थर्ड पे थर्ड रो थर्ड कॉलम पे प्रिंट कराना है। फर्स्ट स्पेस है, फिर सेकेंड प्रिंट कराना है, थर्ड स्पेस है, ये भी स्पेस है और ये भी, यानी फोर्थ रो सेकेंड कॉलम पे प्रिंट कराना है, बाकी सब स्पेस है। फिर फिफ्थ रो में जाएंगे तो क्या कराना है, सब में प्रिंट कराना है, यानी हर एक कॉलम में, ये हो गया। यानी हमें इसमें इसमें अब क्या हो गया, इससे पता चल गया हमें किस रो में प्रिंट कराना है, किस कॉलम में प्रिंट कराना है, किस प्लेसेस पे प्रिंट कराने हैं, ठीक है। अब हम इसमें क्या लॉजिक लगाएंगे, अब ये हमें देखना है। तो लॉजिक हम किसमें लगाएंगे, हम कंडीशन यहाँ पे लगाएंगे पहले, इफ़, यानी इफ में जो कंडीशन ट्रू होगी वहाँ पे स्टार हो जाएगा, अदरवाइज किस में वैल्यू चली जाएगी, हमारे एल्स में जाएगी। एल्स में चाहते हैं हम क्या प्रिंट हो जाए, स्पेस, ठीक है, क्या प्रिंट हो जाए, स्पेस हो जाए, ये चीज़ें हो गई हमारी। अब हम चाहते हैं कि जो वैल्यू हमारी चल रही है, इसमें जो भी वैल्यू हमारी चल रही है कि ये कुछ चीज़ें और इंक्रीमेंट करें, कि मतलब जैसे कहाँ कहाँ पे हम प्रिंट कराएं, ये चीज़ें हमें लॉजिक में अपनी माइंड से देखना पड़ेगा, कहाँ हमें प्रिंट कराना है, हमें कॉमन वैल्यू पहले फाइंड आउट करनी पड़ेगी, इसमें हमें कॉमन चीज़ें कहाँ कहाँ मिल रही हैं। चलिए हम इसमें कॉमन चीज़ें खोजते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम, फर्स्ट रो फिफ्थ कॉलम, इसमें क्या हमें कॉमन मिला, फर्स्ट, यानी फर्स्ट रो कॉमन मिल रहा है कि हमें फर्स्ट रो में पूरे के पूरे प्रिंट कराने, यानी फर्स्ट रो जब चले तो हमें सारे कॉलम में प्रिंट हो जाए, पहला हमारा आसान सा कंडीशन मिल जाएगा, यानी जब रो हमारा वन हो। यहाँ पे आर इक्वल वन नहीं करना, आर डबल इक्वल वन करना है। क्यों करना है डबल इक्वल, क्योंकि ये कंपेयर करेगा वैल्यू, अगर कंपेयर में ट्रू पाएगा तो ठीक है, अदरवाइज एल्स में चला जाएगा। सिंगल करेंगे तो आर की वैल्यू वन लेगा कि आर की वैल्यू वन है, तो इनिशियलाइज वैल्यू हो जाएगा। हमें वैल्यू इनिशियलाइज नहीं करना है, हमें इक्वेशन दिखानी है कि क्या आर की वैल्यू या जो यहाँ पे हम दिए हुए हैं वो वैल्यू के बराबर है तो प्रिंट कर देगा, अदरवाइज एल्स में चला जाएगा। क्या होगा, फर्स्ट जब हमारा चलेगा तो पूरे कॉलम के लिए, पाँचों कॉलम तक के लिए चलेगा, तब प्रिंट कर देगा। फिर क्या होगा, फिर जैसे ही यहाँ पे C6 होगा तो ये फॉल्स हो जाएगी, हमारी कंप्लीट हो जाएगी फर्स्ट रो। फिर R2 चलेगा तो उसके लिए फिर पांचों कॉलम चलेंगे हमारे, जहाँ जहाँ कंडीशन पाएगा ट्रू वहाँ प्रिंट करेगा, ठीक है। एक चीज़ तो ये हो गई, अब फिर हम और कहाँ से हमें सिमिलर चीज़ें मिल रही हैं, आप यहाँ पे देखिए लास्ट में देखिए फिफ्थ रो हमें सारे कॉमन मिल रहे हैं, यानी फिफ्थ रो में सारे के सारे हमें क्या प्रिंट कराने हैं, कॉलम प्रिंट कराने हैं। एक तो हमें ये मिल गया, यानी हमारा रो जब 5 चल रहा है तो हमें सारे प्रिंट हो जाएं, ठीक है, इतने तो हमें वैल्यू मिल गई, ठीक है। अब एक चीज़ इसमें और हमें नहीं मिल रहा है, क्या नहीं, अब क्या हमें प्रिंट कराना है, सेकेंड रो फोर्थ कॉलम पे, थर्ड रो थर्ड कॉलम पे, फोर्थ रो फोर्थ कॉलम पे, ये हमें प्रिंट कराने हैं बीच के। अब इसमें क्या लॉजिक, या तो सिंगल सिंगल लिख नहीं सकते कि करके कि आर जब आर की वैल्यू जब 2 हो और कॉलम की वैल्यू 4 हो तो प्रिंट कर दे, वो तो ऐसे कंडीशन 3 लग जाएंगी। हमें जितने कम इसमें कंडीशन लगाने की ज़रूरत पड़े उतने कम करनी है, यानी अपने हम लॉजिक को जितना अच्छे से यूज कर पाएँ वो चीज़ें हमें करनी है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, पहले देखते हैं यहाँ पे सेकेंड कॉलम, सॉरी सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, फोर्थ रो सेकेंड कॉलम, इसमें हमें कॉमन क्या मिल रही है। अगर दोनों को सम करें, आर की वैल्यू और कॉलम की वैल्यू दोनों को सम करें, कितनी 6 आ रही है, इसमें भी 3 3 6, 4 2 6, यानी अगर दोनों को जहाँ जहाँ ऐड कर रहे हैं 6 आ रही है तो वहाँ पे क्या प्रिंट होना चाहिए, हमें स्टार प्रिंट कराना है। तो हमारा लॉजिक क्या मिला हमें, R प्लस सी डबल इक्वल 6, यानी R की वैल्यू R और C को जहाँ ऐड करने पे 6 आ जाए वहाँ पे प्रिंट कर दे। इससे क्या होगा, एक तो यहाँ 5 × 1 आ जाएगा 6, लेकिन ये तो सबसे पहले प्रिंट कर देगा, तो R लगा हुआ है तो उसके आगे जाएगा नहीं, कोई भी वैल्यू इसमें से ट्रू एक मिलेगी उसके आगे जाएगा नहीं। फिर क्या होगा, ये प्रिंट कर देगा सेकंड रो में, थर्ड में, ये फोर्थ में, यानी ये हमें पूरी की पूरी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी इतने से, ठीक है। और इसकी थोड़ी सी वर्किंग आपको हम बता दे रहे हैं कैसे इसका वर्क कैसे करता है, ठीक है, क्या हमारा यहाँ पे स्टार प्रिंट करेगा या नहीं।
यहाँ पर अगर हम सेकंड टूर तक बता देंगे तो आगे की चीज़ें आप समझ जाएंगे आसानी से। चलिए क्या करते हैं, अब इस समय आर की वैल्यू कितनी है? अगर स्टार्ट होगा हमारा प्रोग्राम, इस समय आर की वैल्यू वन, आर की वैल्यू वन, ठीक है। अब चेक करेगा क्या आर की जहाँ पे कंडीशन लगा है उस कंडीशन को ट्रू कर रहा है या नहीं कर रहा है। क्या लगा हुआ है, कंडीशन लगाया है कि वैल्यू सिर्फ फाइव तक होनी चाहिए या फाइव से छोटी होनी चाहिए। कंडीशन ट्रू हुआ, जैसे कंडीशन ये ट्रू हुआ, आर की वैल्यू इसमें वन वन, कंडीशन ट्रू, फिर सी आया, मतलब कंडीशन ट्रू होने के बाद ही नीचे जाएगा वो इनर लूप में, इनर लूप में आया सी की वैल्यू वन, कंडीशन चेक किया क्या वैल्यू ट्रू, यानी ट्रू है सी वन। सी वन ट्रू कैसे हुआ, क्योंकि पाँच से वाले यहाँ पर कंडीशन लगाया था वो ट्रू हो गया, ठीक है। ऐसे ट्रू हुआ, फाइव से छोटी से ट्रू हो गया, तो अब ये आके चेक करेगा, फिर नीचे गया, देखा यहाँ पे इफ कंडीशन लगी थी, इफ कंडीशन में चेक किया कंडीशन हमारी क्या लगी हुई है, इसमें लगा हुआ था पहला कि आर डबल इक्वल वन, क्या रो की वैल्यू हमारी जो है आर की वैल्यू वन है, तो आर की वैल्यू वन ही है, तो क्या करेगा, कंडीशन ट्रू पाया उसे आगे उन्हें चेक चेक करने नहीं आएगा, क्या करेगा यहाँ पे स्टार प्रिंट कर दिया, ठीक है। फिर ये ऊपर गया, अब यहाँ पे सी की वैल्यू, सी यहाँ पे देखेंगे प्लस प्लस लगा हुआ है, यानी वैल्यू को इंक्रीमेंट करानी है, तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी टू। फिर चेक किया क्या फाइव से छोटी है फाइव के बराबर, यस। फिर आया, फिर पहले कंडीशन से चेक करना शुरू करेगा, यहाँ से चेक किया आर की वैल्यू वन है, यस। फिर क्या करेगा यहाँ पे भी सेकेंड कॉलम पे भी स्टार प्रिंट कर देगा, ठीक है, यानी यहाँ भी प्रिंट हो गया और यहाँ भी दो चीज़ें प्रिंट हो गई। फिर सी की वैल्यू उनकी इंक्रीमेंट हो गई, थ्री हो जाएगी, कंडीशन ट्रू हुआ क्योंकि कंडीशन फाइव तक हमें लगा, तो फाइव तक कंडीशन ट्रू होना ही है। फिर चेक करेगा आर वन, कंडीशन ट्रू क्योंकि रो की वैल्यू ही वन ही चल रही है। फिर सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी फोर, कंडीशन ट्रू होगा क्योंकि आर की वैल्यू वन ही है। फिर सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी फाइव, आके चेक करेगा आर डबल इक्वल वन, यानी आर की वैल्यू क्या है वन, यस अभी वन ही है। अब सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी सिक्स, अब कंडीशन हमारा फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो फॉल्स हुआ, ये हमारा जो फॉर लूप यानी इनर लूप था ये क्या हो जाएगा हमारा क्लोज हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलाइन क्या करेगा, हमें न्यू लाइन पे लेके जाएगा, ठीक है। अब जो हमारा आर की वैल्यू है इंक्रीमेंट होकर कितनी हो जाएगी टू, यहाँ पे प्लस प्लस लगा रहा था, लग रहा है, लगा हुआ है, तो इससे आर की वैल्यू हमारी इंक्रीमेंट हो जाएगी टू, ठीक है। चेक करेगा क्या पाँच से वैल्यू छोटी है टू या पाँच के बराबर, यस टू है। तो दूसरा हमारा चलना शुरू हुआ, फिर आएगा नीचे आर की वैल्यू टू ही, तो सी वन से फिर वन से स्टार्ट करेगा, सी वन कंडीशन ट्रू सी वन, ठीक है। आखिर नीचे गया चेक करने, क्या आर की वैल्यू वन है, नहीं, इसमें आर की वैल्यू कितनी हो चुकी है टू, फिर यहाँ पे आर लगा हुआ था ये। फिर आगे गया चेक करने, आर की वैल्यू क्या फाइव है, नहीं, आर की वैल्यू भी टू ही है। फिर चेक करेगा क्या आर प्लस सी यानी रो एंड कॉलम को ऐड करने पे सिक्स आ रहा है, टू दूसरा रो है फर्स्ट कॉलम, तो ऐड करने पे कितना आएगा थ्री आएगा, तो कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी। तो फिर तो क्या करेगा, फिर एल्स में जाएगा, एल्स क्या करेगा हमें यहाँ पे स्पेस दे दीजिएगा, ठीक है। फिर सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी टू हो जाएगी, ठीक है। फिर चेक किया क्या आर की वैल्यू वन है, नहीं, आर की वैल्यू फाइव है, नहीं, आर प्लस सी करने के बाद सिक्स आ रहा है, नहीं, तो क्या हो जाएगा एल्स में जाके हमें स्पेस दे देगा। फिर सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी इंक्रीमेंट होगी थ्री होगी। फिर चेक करेगा क्या आर की वैल्यू वन है, नहीं, आर की वैल्यू फाइव है, नहीं, दोनों को ऐड करने के बाद सिक्स आ रहा है, नहीं। फिर यहाँ पर सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी फोर हो जाएगी। फिर चेक करेगा आर की वैल्यू वन है, नहीं, आर की वैल्यू फाइव है, नहीं, आर प्लस सी जोड़ने के बाद सिक्स आ रहा है कि नहीं, यस फोर और टू को ऐड करेंगे सिक्स आ रहा है, तो क्या करेगा यहाँ पे कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू, तो ये सभी में जाके वो क्या देंगे आपको वहाँ पे वो प्रिंट कर देगा, यानी स्टार में प्रिंट कर दिया। फिर सी की वैल्यू कितनी हो गई फाइव हो गई। फिर चेक किया क्या आर की वैल्यू वन है, नहीं, आर की वैल्यू फाइव है, नहीं, आर प्लस सी जोड़ने के बाद सिक्स आ रहा है, नहीं, तो क्या करेगा एल्स में जाके हमें यहाँ पे क्या था स्पेस दिए थे यहाँ पे स्पेस में मिल जाएगा। फिर ये सिक्स हो जाए, सिक्स होगा वैल्यू, तो कंडीशन फॉल्स होगी, हमारा इनर लूप क्लोज होगा। फिर आउटर लूप पे जाएंगे तो न्यू लाइन पे जाएंगे, फिर आर की वैल्यू इंक्रीमेंट हो कितनी हो जाएगी थ्री, कंडीशन ट्रू। फिर इसमें क्या करेगा, फिर वन से स्टार्ट करेगा, वन चला। फिर इसमें गया चेक करने, क्या आर की वैल्यू वन है, नहीं, क्या आर की वैल्यू फाइव है, नहीं, क्या आर प्लस से जोड़ने का सिक्स आ रहा है, नहीं, तो क्या करेगा एल्स में जाके हमें स्पेस दे देगा। फिर जाएगा सी की वैल्यू इंक्रीमेंट कितनी हो जाएगी टू। फिर चेक करेगा क्या आर की वैल्यू वन है, आर की वैल्यू फाइव है, आर प्लस सी जोड़ने पे सिक्स आ रहा है, कोई भी इसमें कंडीशन ट्रू नहीं हो रही है, तो क्या करेगा एल्स में जाके हमें स्पेस दे देगा। फिर जाएगी यहाँ पे सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी थ्री, काउंट करना शुरू किया फिर से इफ में जाके,
आर की वैल्यू 1 नहीं, आर की वैल्यू 5 है नहीं, क्या दोनों जोड़ने के बाद 6 आ रहा है? यस, इसमें आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि हमारा कॉलम 3 रो 3 है और कॉलम 3 है, दोनों को सम करने के बाद 6 आ रहा है। तो क्या करेगा हमारे यहाँ पे, स्टार प्रिंट कर देगा। फिर सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4। आर की वैल्यू 1 नहीं, आर की वैल्यू 5 है नहीं, दोनों को सम करने के बाद 6 आ रहा है नहीं, तो यहाँ पे स्पेस दे देगा। फिर सी की वैल्यू 5 हो जाएगी, फिर चेक करेगा कोई कंसर्न ट्रू नहीं, फिर यहाँ पे स्पेस, ठीक है। फिर क्या करेगा अब, आर जैसे ही हमारा लूप क्लोज होगा, सिस्टम डॉट प्रिंट करेगा, न्यू लाइन पे ले जाएगा, आर की वैल्यू इंक्रीमेंट कितनी हो जाएगी? 4, ठीक है। आर की वैल्यू कितनी हो गई? 4। फिर सी वन से स्टार्ट करेगा, पहले में कंडीशन फॉल्स, फिर जहाँ पे 4 2 ऐड करने के बाद 6 आ रहा है, ठीक है, स्टार प्रिंट कर देगा, बाकी सब स्पेस हो जाएंगे 5 तक ले, क्योंकि हमारा यहाँ पे दिए थे जब आर हमारा फर्स्ट हो तब प्रिंट हो, और हमारा 5 हो तब प्रिंट हो, और दोनों को सम करने के बाद 6 आए तब। 6 6 देखिए 5 होने यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। अगर ये कंडीशन अगर हम यहाँ पे ना लगाएं, ये कंडीशन कि हमारे जो रो फर्स्ट है वो फिर इसमें नहीं लगाएंगे, तो आप यहाँ पे भी प्रिंट करते हुए देख लेंगे इसको, यानी यहाँ पे 5 फर्स्ट हो 5 पे, क्योंकि दोनों ऐड करने के बाद यहाँ मिल जाएगा, इसमें से कोई कंसर्न ट्रू मिलेगी तो आप कर देगा, ऐसे लास्ट में क्या होगा, ये हमारा पूरा प्रिंट कर देगा। चलिए क्या करते हैं, इस लॉजिक को अपने हम इंग्लिश प्रोग्राम के करके रन करते हैं, इस टाइप पैटर्न का पैटर्न प्रोग्राम के हमारा से नाम है। यहाँ पे हम जाएंगे क्लास में, यहाँ पे क्लास पे क्लिक करेंगे तो हमें क्या प्रिंट कराना है, जेड, यहाँ वही क्लास का नाम दे दिया मैंने, ठीक है। क्या चाहिए हमें, मेन मेथड भी चाहिए, बिना मेन मेथड को चलेगा नहीं, कर दिया फिनिश। चलिए अब ये चीज़ें आ गई हमारी, तो हम करते क्या हैं, फर्स्ट पहले हम फॉर लूप का यूज करते हैं, जिसको हमने बताया था, यहाँ पे दिया इंट आई ले ले रहे हैं, आप वहाँ पे कुछ भी मान सकते हैं, आई इक्वल टू 1, आई लेस देन आई इक्वल 5, आई प्लस प्लस, ठीक है। अभी आपको हमने बताया था इसको नहीं पता कि आप कौन क्या कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या करते हैं, एक ही अभी लूप लगा के आपको एक चीज़ दिखा रहे हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट मैंने इसमें दे दिया, डॉट डॉट स्टार दे देते हैं, डॉट नहीं, ठीक है। इस समय क्या करेगा ना, इसमें सिर्फ एक रो कंप्लीट होगी आपको, चलिए रन कराते हैं, एक रो कंप्लीट होगी और सिर्फ 5 तक होगा, ठीक है। अब इसके आगे आप चाहे 10 दे दीजिए, यानी 10 तक चला दीजिए, तो क्या होगा, ये 10 तक एक ही में काम काउंट करता जाएगा, इसको रो एंड कॉलम इसमें नहीं पता है, ये क्या कर रहा है, आई वन कंडीशन ट्रू, तो फिर गया स्टार प्रिंट कर दिया, यहाँ पे प्रिंट लगा हुआ है, यानी उसी लाइन में आगे प्रिंट करता हुआ चला जा रहा है सीधे, ठीक है। अगर हम यहीं पे फिर अब अभी समय ये हो रहा है, ठीक है, अगर हम अभी यहाँ पे प्रिंट एलन यूज कर दें, प्रिंट एलन क्या करेगा, एक लाइन में प्रिंट हो जाएगा सर, ये देखिए एक लाइन में प्रिंट कर दिया हो, ठीक है। इसे क्या होता है कि हम लूप के अंदर जब लूप यूज करते हैं तो इसका मतलब पहले वो चलेगा, उसके बाद दूसरा लूप चलेगा, ठीक है। तो क्या किया हमने, यहाँ पे दिया दूसरा लूप यूज करने जा रहे हैं फॉर भी, एक चीज़ और इसमें आपको आसानी से चीज़ें समझ में हो सकता है, थोड़ा सा ना समझ में आए, बट आप जब आप अच्छे से इसको समझेंगे तो आ जाएगा प्रोग्राम, एक दो जहाँ करेंगे तो आपको सारी चीज़ें आसान लगने लगेगी, ठीक है। मैंने दिया जे इक्वल टू 1 जे 5, ठीक है, जे प्लस प्लस, इसको मैं ब्रैकेट यहाँ पे लगाया, एक और यहाँ पे लगा दिया। इसमें प्रिंट करने पे क्या आना चाहिए, अब तो वैसे पे 10 हमारा देखने पर आ रहा है कि ये 10 रो तक चलेगा, उसके बीच हमारा क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, तो क्या होगा, 10 × 5, यानी हमारा कितना हो जाएगा, 10 और 5 पूरे, यानी 50 पूरे हमारे प्रिंट हो जाएंगे। तो ऐसा तो हमें करना नहीं है, हमें सिर्फ 5 × 5 का करना है, यानी टोटल प्रिंट कितने कराने हैं अभी, 25। अगर हम वैसे नहीं काउंट कर पाएंगे तो अब देखिए, मैंने एक ही कहा कि सब एक लाइन में हो जाए,
एक लाइन में प्रिंट हो गया। अब आपको लग रहा होगा इससे भी तो वही हो रहा था, इससे भी वही हो रहा है, यस हो रहा है, लेकिन हमें रो एंड कॉलम में इसको चेंजेस करने हैं, बदलने हैं, ठीक है। हम चाहते हैं जब हमारा ये रो कंप्लीट हो, इसमें क्या हो रहा है, फर्स्ट चला, ठीक है, फिर उसके बाद इसके इस, जब ये फर्स्ट ये चलेगा उसमें ये पांचवे चलेंगे, फिर सेकंड चलेगा उसमें फिर पांच चलेंगे, थर्ड चलेगा फिर उसमें पांच चलेंगे, सबको फिर क्या कर रहा है, प्रिंट क्या कर रहा है, एक ही लाइन में भेज दे रहा है बार बार हमें। तो हम करते हैं कि जब हमारा ये फर्स्ट जो हमारा यानी इनर सॉरी जो अंदर का लूप है वो क्लोज हो तो हम न्यू लाइन पे जाएं। ये क्या करता है प्रिंट एलन, जैसे ही आपका वो कंडीशन फॉल्स होगा यानी जैसे ही जे की वैल्यू यहाँ पे सिक्स होगी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, फिर जब हम आउटर लूप पे जाएंगे फार के तो क्या होगी वैल्यू उसकी इंक्रीमेंट होगी। हम चाहते हैं उसको इंक्रीमेंट होने से पहले हम न्यू लाइन पे जाएं, तो क्या होगा अब 5 × 5 का आप यहाँ पे देखेंगे प्रिंट, यानी जैसे ही ये पाँच कंप्लीट किया, ठीक है, ये वैल्यू फॉल्स हुई तो फिर जाएगा आई की वैल्यू के पास, उसके पहले मैंने यहाँ पे लगा दिया प्रिंट एल एन, यानी हमें कुछ यहाँ पे दिया नहीं, सिर्फ प्रिंट एलन दे दिया, सिस्टम डाटा प्रिंट एलन नहीं, न्यू लाइन पे हमें पहुँचा दे, क्या होगा इसमें न्यू लाइन पे हम पहुँच गए, तो ये क्या करेगा फिर न्यू लाइन पे आ जाएगा, फिर वहाँ से 5 पॉइंट करेगा, फिर चला जाएगा, ऐसे हमारे 5 × 5 रो एंड कॉलम के हो जाते हैं, ठीक है। फिर अब हमें कंडीशन लगानी, हमें कहाँ प्रिंट कराना है, कहाँ पे स्टार प्रिंट नहीं कराना है, तो हम देंगे इफ़, इसमें क्या करेंगे कंडीशन अपनी लगाएंगे, उसमें जो कंडीशन नहीं मिलेगा तो कुछ कहीं कहीं जाना चाहिए, तो हम चाहते हैं उस प्लेसेस पे हमें स्पेस प्रिंट हो जाए, ठीक है। अब हमें पहले हमने लगाया था वहाँ पे r डबल इक्वल 1, यानी r को हम इसमें क्या क्या माने वहाँ पे i की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 1, ठीक है। इस समय अगर हम यहाँ पे ये प्रिंट कराएंगे सिर्फ एक ही लाइन दिखेगी, लेकिन हमें यहाँ पे स्पेस दिखेगा ये तो पता नहीं चलेगा, तो हम यहाँ पे दे दे रहे हैं डॉट, यानी पता चलता रहे अभी कि क्या प्रिंट उसके नीचे हो रहा है या नहीं। यहाँ पे देखिए डार्ट प्रिंट हो गया इतना, अब बाकी हमें फर्स्ट हो गए, ठीक है। हम चाहते हैं कि अब हमारा जबरो कितना हो 5, यानी यहाँ पे आई डबल इक्वल 5 कर दिया तो क्या होगा, हमारा जो लास्ट का होगा वो भी प्रिंट हो जाएगा, यस प्रिंट हो गया, ठीक है। अब हमें ये बीच में प्रिंट कराने, तो उसके लिए मैंने बताया दोनों को ऐड करके लगाया आर आई प्लस जे डबल इक्वल 6, यानी आई और जे को क्या करेगा कंपेयर करेगा, जहाँ वैल्यू ट्रू पाएगा वहाँ पे स्टार प्रिंट कर देगा, ये देखिए हमारे क्रॉस हो गए, ठीक है। हम दोनों में थोड़ा सा स्पेस दे रहे हैं, मैंने स्पेस दे दिया, अब देखिए क्या कैसा अब थोड़ा सा व्यू इसका अच्छा दिख रहा है, यानी दोनों में मैंने स्पेस दिया हुआ है, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि डार्ट की जगह स्पेस ही हो जाए, यानी डार्ट तो काउंट कर लिया कि इस बात कितना कितना स्पेस है, तो मैं यहाँ पे इसको प्रिंट करा दिया, ये हमारा क्या हो गया जेड प्रिंट हो गया, ठीक है। चलिए थैंक यू, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बता दें हमारा लॉजिक कैसा लगा आपको, थैंक यू सो मच।